विधानसभा के मॉनसून सत्र में मंदसौर गोलीकांड और किसानों की आत्महत्याओं को लेकर विपक्ष द्वारा लगाए गए स्थगन पर सदन में लगभग 6 घंटे चर्चा चली। रात्रि 8 बजे स्थगित हुई कार्रवाई के दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह अपना वक्तव्य नहीं रख पाए। वे बुधवार को अपना वक्तव्य देंगे। इस चर्चा में 18 सदस्यों ने भाग लिया। चर्चा की शुरुआत करते हुए कांग्रेस विधायक गोविंद सिंह ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा सरकार के राज में किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है। कॉरपोरेट कंपनी और बिचौलिए किसानों का हक डका रहे हैं। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि किसानों का आलू 5 रुपए प्रति किलो बिकता है, वहीं उसी से बने चिप्स 250 रुपए प्रति किलो बिकते हैं। कांग्रेस विधायक मुकेश नायक ने कहा कि मंदसौर गोलीकांड में पुलिस की गोली से निर्दोष किसान मारे गए। उन्होंने कहा कि सरकार गोली चलाने का आदेश देने वाले का नाम सार्वजनिक करे। नायक ने गोलीकांड के लिए गठित जांच आयोग पर सवाल निशान लगाते हुए कहा कि प्रदेश में अब तक 12 जांच आयोग गठित हुए, लेकिन ये किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचे। सत्ता पक्ष की ओर से विश्वास सारंग ने कांग्रेस शासनकाल में हुए मुल्ताई गोलीकांड का जिक्र करते हुए कहा कि इस गोलीकांड में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने किसानों की मांग के अनुसार मुआवजा देने से साफ इनकार कर दिया था। सारंग ने कहा कि कांग्रेस के शासनकाल में कृषि विभाग का बजट 250 करोड़ के आसपास हुआ करता था। वर्तमान भाजपा सरकार का बजट 4,500 करोड़ है। वहीं कृषि मंत्री गौरीशंकर बिसेन ने अपनी सरकार को किसान हितैषी बताते हुए कृषि क्षेत्र की उपलब्धियां गिनाई। भोपाल से EMS TV के लिए कैमरामैन डेनी खान के साथ राम पवार की रिपोर्ट।